खरगोन जिले के सनावत के ग्राम कालवरण में पंचमुखी हनुमान मंदिर पर लगाए गए लगभग 300 फूलदार पौधे अब खूबसूरती बिखेर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता प्रभु दोगिया उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा हरा भरा और सुंदर मोहित करने वाला बगीचा दिखा, जहां उन्होंने एक भव्य फूलों से लदबद आकर्षक बगीचा देखा। यह मंदिर कालबरण और खतराज खेड़ा के बीच स्थित है, एक ऐसा छोटा सा गाँव जिसमें अगर गाँव के नाम से जानते हैं और हनुमान जी की प्रतिमा की बात करें तो कई वर्षों पुरानी प्रतिमा है। पुजारी शरणानंद जी 13 वर्ष की आयु से ही भक्ति में लगे हुए हैं। आज उनकी आयु लगभग 40 वर्ष है। यहाँ के पुजारी पंडित श्री शरणानंद ने बताया कि जितने ही पौधे हमने लगाए हैं और यहाँ पानी की बहुत परेशानी है। यहाँ हेडपम्प तो है पर सही काम नहीं करता है। पानी की व्यवस्था यदि हो जाए तो हम जगह जगह और भी पौधे लगा दें। पंडित जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने बड़वा विधायक सचिन बिल्ला से निवेदन भी किया था कि यहाँ पानी और सड़क की व्यवस्था करवा दी जाए। सनावत से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। यहाँ पे ये इतने भी पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक हेडपम्प लग रहा है। एक हेडपम्प में इतने सारे आपने पौधे लगाए हो तो हेडपम्प पानी सही तरीके से दे रहा है? पानी सही तरीके से नहीं दे रहा है, पानी की बहुत समस्या है यहाँ। अच्छा, विधायक साहब से निवेदन है कि यहाँ पानी की व्यवस्था करा दे। हाँ। और कुछ ट्यूबवेल कुछ हो जाए तो अच्छा है, बाबा परेशान है। सनावत से SW24 कैमरामैन योगेश लेवा के साथ प्रभु दोगिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।